एक घटना होने की जानकारी प्राप्त हुआ, इस विषय में थोड़ी जानकारी रखिए। नमस्कार, सबसे पहले जय गो मिरर और जय गो वॉइस को हम सभी की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद जो आप लोग यहाँ आए मादारी हॉस्पिटल में, आप ये कवरेज कर रहे हो। और ये घटना जो है, दलसिंहपाड़ा का दो भाई था गाड़ी पे, वो दलसिंह हसीमारा से दलसिंहपाड़ा की तरफ जा रहा था, तो 28 नंबर और डुअर्स ढाबा के सामने वहाँ पे ये लोग का आउटलाइन हो गया गाड़ी, तो गाड़ी बचाने के चक्कर में गाड़ी आउटलाइन गड्ढे पे गिर गया। तो गड्ढे पे गिरने के बाद वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, किसने उठाया उस, वहाँ तो मैं नहीं था, तो मेरा दोस्त शंकर शर्मा, इन्होंने मुझे कॉल किया कि आपका एयरफोर्स में डॉक्टर से जान पहचान है, एयरफोर्स ले जाना है। तो जब ये मेरे पास आए, मैं रेडी होके बाहर खड़ा ही था, तो ये भाई लोग डॉक्टर के लिए गाड़ी लेके इधर उधर भाग रहा था। तो जब ये लोग एयरफोर्स गया, एयरफोर्स हॉस्पिटल, तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एयरफोर्स हॉस्पिटल, क्योंकि वो सेंटर का है, सेंटर के अंदर में आता है, सेंटर हॉस्पिटल है, तो मैं जनप्रतिनिधि सबसे रिक्वेस्ट करके बोलना चाहता हूँ कि ताकि वो लोग जाके एयरफोर्स हॉस्पिटल में ये बोले कि उसका ट्रीटमेंट या तो एडमिट भी कराए, कम से कम इमरजेंसी केस को एडमिट तो कराना चाहिए, वो भी नहीं हुआ, ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ। तो हम अगर मैं पहुंचता, क्योंकि मेरे एक एक्स मैन हूं, अगर मैं समय में पहुंच गया था, लेकिन जब मैं पहुंचा गाड़ी निकल गया था, तो मैं अपना कार्ड से होने से भी डॉक्टर साहब को बोलता कि थोड़ा ट्रीटमेंट होना चाहिए इनका। तो ये तब तक गाड़ी में बात कर रहा था, जैसे बताया हम लोगों ने, गाड़ी में बोल रहा था। तो मैं जब बाहर निकला सुपाड़ी गेट में, मैंने जब चेक किया तो मैंने मेरे दोस्त को बता दिया ये नहीं है, मुझे पता चल गया कि ये नहीं है। तो फिर भी इनका तसल्ली के लिए, गार्जियन का तसल्ली के लिए, हमने मादारीहाट हॉस्पिटल लाया। मादारीहाट हॉस्पिटल में जैसे आया, डॉक्टर ने बोला कि ये नहीं है। ये वहाँ पर तो पासी नजदीकी जयगांव का हॉस्पिटल था, क्या उसे जयगांव हॉस्पिटल ले जाने जा? अब जयगांव हॉस्पिटल के बारे में आप जयगांव वालों से पूछिए, भाई है गौतम भाई, उधर ही क्या लोकल है, बताइए भाई जयगांव हॉस्पिटल के बारे में। जयगांव हॉस्पिटल ले जाने से तो वो बच जाता है। 10 हॉस्पिटल 3-4 किलोमीटर का अंदर था, जयगांव का हॉस्पिटल 10 किलोमीटर का अंदर था, तो आदमी उल्टा तो नहीं जाएगा ना। तो जयगांव हॉस्पिटल के बारे में आप ये लोग बताएंगे क्यों? जयगांव हॉस्पिटल मुझे जितना तक पता है कि 2 बजे के बाद भाई लोगों ने बताया, डॉक्टर नहीं रह पाए, भाई लोगों ने बताया मुझे। तो अगर मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से, आइए हम सब मिलके इसको प्रयास करें कि आज के डेट में एक भी डॉक्टर हमारे ओल्ड हसीमारा हो, न्यू हसीमारा हो, जयगांव हो, दलसिंहपाड़ा हो, उस क्षेत्र में आप लोग खुद ही आके देख लीजिए, एक भी डॉक्टर नहीं है किसी जगह में। अगर 4 बेड वाला हॉस्पिटल हम लोग अगर उसको तैयार करें, सब मिलके बोले, ये सब जितना हम लोग MP हो, MLA हो, सब संसद में भी आवाज उठाना चाहिए इसको कि हमारा एक हॉस्पिटल चाहिए जहां डॉक्टर का सुविधा हो। ऐसा एक्सीडेंट बहुत होता है, मेरा घर खुद रेल गेट के सामने, मैं कहीं ले जाता हूँ पेशेंट, ऐसा आप लोगों को पता भी होगा। जानकारी प्राप्त हो रहा है कि हिट एंड रन केस, किसी ने गाड़ी को मार दिया कि कोई बड़ा गाड़ी से, ये जानकारी इसके बारे में मुझे पता नहीं है, इसके बारे में आप गार्जियन से पूछिएगा। इसके बारे में क्या है कि अभी सुना गया, वो लोग ओवरटेक कर रहा था, आगे से एक ट्रक ने आके साइड में मारा और इन लोग नीचे गिरा। अभी से जो साथ में था पेशेंट, उससे पूछा, वो बताया, अभी बताया ये बात। जो देहांत हुआ उनका क्या घर परिवार में शादीशुदा है, बाल बच्चा है? बैचलर। जो देहांत हुआ उनके नाम है अमित शाह, और जिसको चोट लगा है, अभी मैं उसको अलीपुर हॉस्पिटल रेफर किया डॉक्टर साहब ने, यहाँ से मैं अलीपुर हॉस्पिटल भेज दिया उसको, एम्बुलेंस मादारी से करके मैं उसको अलीपुर हॉस्पिटल भेजा हूँ। उनका नाम क्या? उनका नाम है अनुराग तिवारी। वो क्या दो जन यहाँ से? नहीं, दोनों दलसिंहपाड़ा, दलसिंहपाड़ा चौपती का है। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा सभी को, कुछ ना देखे, हम लोग सब मिलके आवाज उठाए ताकि हमारे दलसिंहपाड़ा, जयगांव, न्यू हसीमारा, ओल्ड हसीमारा, मलंगी, जितना हमारा का क्षेत्र में बगान भी, सुभाषिनी, हल्दीबाड़ी, भरनाबाड़ी, सभी जनता मिलके हम लोग आवाज उठाए, एक जगह 4 बेड वाला होने से भी हॉस्पिटल होना चाहिए और एक डॉक्टर एट ए टाइम होना चाहिए, ताकि ऐसा पेशेंट को देख के कम से कम तरफ फर्स्ट एड तो हो। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सारे जनप्रतिनिधि से, आप लोग इसके पीछे जोड़ दीजिए, आप लोग के साथ मैं सब समय हूँ। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं न्यू हसीमारा यूथ क्लब सेक्रेटरी गौतम छेत्री।